आज लोधी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह बीजेपी मुख्यालय में जाकर उनसे बाकायदा मुलाकात भी की है और जो हाईकोर्ट से कॉपी मिली है उसे वो सचिवालय विधानसभा सचिवालय को सौंपना चाहते हैं ताकि आगे की प्रक्रिया हो सके। तो ये मुलाकात भी कई मायनों में अहम थी। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद प्रहलाद लोधी अब विधानसभा सचिवालय को कोर्ट की कॉपी सौंपेंगे, लेकिन क्या है पूरे इस मामले को लेकर अब अगला कदम होगा प्रहलाद लोधी का? सर, कांग्रेस तो कह रही है कि हमने जो फैसला किया था या विधानसभा सचिवालय ने जो फैसला लिया था वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत था। देखिए, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमें जो स्टे ऑर्डर दिया है वह हम बहुत बहुत आभारी हैं, सम्मान करते हैं। अब आगे क्या आगे जो मैं विधानसभा अध्यक्ष को भी वो कॉपी दूंगा, माननीय चुनाव आयोग को भी कॉपी दूंगा। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये इस मामले को लेकर हम जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ठीक है, वो उनका मैटर है। लेकिन क्या माने प्रहलाद लोधी दोबारा विधायक बन पाएंगे? हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हम दोबारा विधायक बने हैं और पहले ही से बने हैं, अभी हम मिटे ही कहाँ हैं कानून तौर पर। लेकिन विधानसभा का रुख जिस तरीके से, उसमें आगे क्या होगा? क्या आप निवेदन करने वाले हैं विधानसभा से? बिल्कुल निवेदन करूँगा मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी से, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे। अब फिर आगे उनका जो निर्णय होगा वो उनके ऊपर है। लेकिन आगे क्या होगा यदि विधानसभा कहता है कि हम इसका परीक्षण करेंगे और यदि लंबे समय तक मामला अटकता है तो कोई अगला कदम आपने सोच के रखा हो पार्टी ने? नहीं, हम तो अभी 7 जनवरी तक का इंतजार हमारा वही है, हाई कोर्ट में है, हमारा अगला कोई कदम नहीं है। और पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे जो मार्गदर्शन देंगे उसके आधार पर हम चलेंगे। तो हाईकोर्ट से फौरी तौर पर राहत मिलने के बाद अब प्रहलाद लोधी विधानसभा सचिवालय को कोर्ट की कॉपी सौंपेंगे और इस बात की मांग करेंगे कि उनको उनकी जो विधायकी खत्म की गई है उसको दोबारा बहाल किया जाए। कैमरामैन अफजल के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और जब भी प्रहलाद लोधी ये बोलते हैं कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है तो तहसीलदार साहब की तस्वीर सामने आ जाती है 2014 में जिनके साथ मारपीट की गई। खैर, शीतकालीन सत्र विधानसभा का शुरू होने वाला है और इस बार नज़ारा थोड़ा अलग रहेगा। विधायकों के लिए भी एक ड्रेस कोड रखा गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आपको याद होगा ये तय किया गया था, वहाँ इस तरीके का प्रयोग हो चुका है और अब यही मध्य प्रदेश में भी आपको नज़र आएगा। बदली बदली तस्वीर नज़र आएगी, सभी विधायक एक जैसे कुर्ते पाजामे और जैकेट में नज़र आएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उनकी याद में किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में प्रयोग हो चुका है। नई ड्रेस के लिए विधायकों का नाप भी लिया जा रहा है। इसके अलावा शीत सत्र में मंत्री और विधायक अपनी संपत्ति सार्वजनिक करेंगे। संसदीय विभाग संकल्प पत्र पेश कर सकता है, मंत्री ने अधिकारियों को इसका मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है, 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। नाम इसका शीतकालीन सत्र होगा पर रहेगा ये बहुत गर्मा गर्म।